गाइस सो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट मेरे को मालूम नहीं, टाइम अभी हो रहा है 9:51 PM। आपको कौन से एंगल से दिख रहा है ये रात का 9:51 PM है मेरे को नहीं मालूम। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ नाइट लुक्स लाइक इन नॉर्वे ड्यूरिंग द समर मंथ। सो राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी 10 PM, ओनली 10 मिनट है 10 बजने को। सो येस, सो बेसिकली पहले इसको बंद कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ द साइज़ एंड शेप ऑफ द DJI Mini 3 Pro इज़। एंड ये वाले ट्रिप में आप जितने भी ड्रोन वाले फुटेजेस आपने देखा हुआ है, सारे ड्रोन फुटेजेस आई हैव टेकन विद दिस DJI Mini 3 Pro एंड आई लव दिस RC कंट्रोलर मैन, सुपर गुड एंड सुपर हैंडी। ऑलराइट, सो अगर आप मेरे को पूछोगे कि भाई फिल्म मेकिंग के लिए कोई ऐसा एक टूल बताओ जो कि मतलब चाहिए ही चाहिए, तो मैं तो कहूँगा उसके लिए द ओनली बेस्ट टूल इज़ गोइंग टू बी ए ड्रोन। ड्रोन ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके वीडियोज़ को चार चांद लगा देगा। सो ड्रोन इज़ बेसिकली वॉट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एवरी वन टू गेट इफ़ यू आर समवन इन टू वीडियो मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, वॉट एवर इट इज़। एक ड्रोन तो भाई चाहिए ही चाहिए, वो विदाउट ए ड्रोन इट्स ऑलमोस्ट गेट्स वेरी बोरिंग फॉर द कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस। बट एनीवेज, अगर आपको मेरे मतलब वर्ड्स में विश्वास नहीं है, एक सीक्वेंस आपको दिखाता हूँ, देख लो, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करो इफ़ यू नीड द ड्रोन और नॉट। सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्वे, क्योंकि सिनेमैटिक, इस सिनेमैटिक का मतलब क्या है? सो जस्ट टू गिव यू ए ब्रीफ अबाउट लाइक व्हाट इज सिनेमैटिक फुटेज और सीक्वेंस लुक्स लाइक, हियर इज 1 मिनट एरियल सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्वे ट्रिप। ऑल द फुटेज हैव बीन शॉट विद दिस DJI Mini 3 Pro। एंजॉय द सीक्वेंस। सो अभी आपने ये जो सीक्वेंस देखा, ये सीक्वेंस में सारा फुटेज आई हैव शॉट विद दिस DJI Mini 3 Pro। लाइटर, कॉन्वीनियंट, पोर्टेबल, डिसेंट इमेज क्वालिटी एंड द बेस्ट थिंग इज इट्स ओनली 249 ग्राम्स। बट सबसे बेस्ट तो वही है, क्योंकि आप बड़ा ड्रोन लेते हो उसको लेने में रखने में रेगुलेशंस बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है। ये ओनली 249 ग्राम्स। एंड साइज़ देखो, मतलब मेरा आईफोन जितना साइज़ है इसका साइज़ भी उतना ही, एंड वेट भी पूरा कम है। एंड बेस्ट थिंग इज़ बैटरी खतरनाक लास्ट करता है, 35-36 मिनट्स आराम से। अगर आपको उससे भी और थोड़ा चाहिए देन आप प्लस वाला बैटरी ले सकते हो, जिसमें आपको 45-47 मिनट्स का आ जाता है। एंड इसका जो किट है, इसमें तीन आपको किट आ जाता है, एक आप ओनली इसको स्टैंड अलोन ले सकते हो और एक नॉर्मल वाला RC ले सकते हो जिसमें आपको फ़ोन लगाना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये अपना जो है ना, अपना डिस्प्ले वाला DJI का स्मार्ट कंट्रोल, ये वाला किट ले लो, सबसे बेस्ट है। उसके साथ अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी वाला लाइफ चाहिए देन बेटर टू गो फॉर दैट। एक्स्ट्रा जो प्लस वाला जो फ्लाई मोर किट है उसको भी आप डायरेक्टली ले सकते हो, एंड प्राइस भी उतना नहीं है, बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस। इतना छोटा सामान है, इतना खतरनाक काम करता है। सो येस, सो बेसिकली ड्रोन्स ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया बस उड़ाओ एंड आपको ऐसा फुटेज मिल जाएगा, नॉट गोइंग टू हैपन। इट टेक्स लाइक ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड आपको बहुत कुछ काम भी करना पड़ता है। बैकएंड में बहुत सारा चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना पड़ता है। सो ये वाले वीडियो में आई एम टू एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली माई प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप 6 स्टेप ऐसा प्रोसेस जिससे कि यू कैन गेट सम सिनेमैटिक
ड्रोन फुटेज एग्जैक्टली लाइक यू हैव जस्ट सीन इन माई सीक्वेंस। सो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है जो आपको दिमाग में रखना है इवन बिफोर यू इवन टेक ऑफ द फ्लाइट। ओनली ड्रोन खरीदने से नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ सीखना पड़ता है उससे पहले, मतलब बिफोर यू इवन स्टार्ट गेटिंग सम नाइस लुकिंग शॉट्स यू एब्सोल्युटली नीड टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड। एंड जब भी मैं कोई ड्रोन खरीदने जाता हूँ मेरे को मतलब बेसिक्स कुछ चीज़ है जो मेरे को दिमाग में रखनी है, मेरे को ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट टाइम लैप्स हो पाए, हाइपर लैप्स हो पाए, स्लो मोशन हो पाए, 4K 60 FPS हो, लाइट वेट हो एंड सेंसर्स भी चारों ओर हों, तो एटलीस्ट मतलब डेंजर ना हो जब उड़ाने के टाइम। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ DJI Mini 3 Pro में वर्टिकल मोड है। वर्टिकल मोड वॉज द सिंगल थिंग विच आई वॉज एक्चुअली मिसिंग सिंस DJI Mavic 1। Mavic 1 में था, उसके बाद Mavic 2 में नहीं है, Air 2S में भी नहीं है, बट दिस हैज़ गॉट द वर्टिकल मोड। जैसे आप ऑन करके वर्टिकल मारो ये पूरा वर्टिकल मोड में आ जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट ट्रू वर्टिकल फुटेज विद दिस ड्रोन एज वेल। आपने मेरा इंस्टाग्राम रील जितना भी देखा है ड्रोन वाला फुटेज, एवरीथिंग हैज़ बीन शॉट विद दिस DJI Mini 3 Pro एंड इसका ट्रू वर्टिकल मोड यूज़ करके मैंने सारा वर्टिकल वाला रील्स वील सारा इसी से ही मैंने बनाया है। चलो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू इवन स्टार्ट टू गेट सिनेमैटिक लुकिंग ड्रोन एरियल फुटेजेस। सो सबसे पहला पॉइंट इज़ यू नीड टू यूज़ ND फिल्टर्स। ND फिल्टर्स एक ऐसा टूल है जो विच इज़ ए मस्ट इफ़ यू आर ए ड्रोन पायलट। अभी ये देखो जो DJI Mini 3 Pro है ये वेरिएबल एपर्चर नहीं है, सो आप इसमें एपर्चर चेंज नहीं कर सकते जैसे आप Air 2S में कर सकते हो या फिर DJI Mavic 2 Pro में कर सकते हो, बट इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें आपको डे वन से ND फिल्टर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बहुत धूप में हो तो ND 8 या फिर 16 यूज़ कर सकते हो। अगर आप मतलब बीच एरियाज में हो यहाँ की बहुत खतरनाक धूप है वहाँ पे ND 64 भी आप यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपका वेरिएबल एपर्चर नहीं है आप ND फिल्टर लगा के लाइट को कट करके आपको जो मतलब आपको जो सिनेमेटिक है पकड़ लो, आपको 4K 60 FPS में शूट कर रहे हो, योर शटर स्पीड नीड टू बी समवेयर अराउंड लाइक 1/120। अगर आप 4K 24 FPS में हो योर शटर स्पीड नीड टू बी समवेयर अराउंड 1/50। तो अगर आपको इतना शटर स्पीड मेंटेन करना है एंड ये फ्रेम रेट पे आप शूट कर रहे हो then you need to make sure you have the right ND filter to cut the light out। जैसे ही आप right वाला ND filter डालोगे आपको proper एक cinematic motion blur वाला footage में मिल जाएगा and you are exactly going to get what you need। अगर आप ND filter नहीं use करते हो तो आपको क्या होगा, footage थोड़ा जर्की दिखेगा, जैसे speed जा रहा है, slow जा रहा है, आपको footage थोड़ा ऐसा दिखेगा। बट ND filter आप जैसे use करोगे you are going to get the proper motion blur as well। So ND filter is a must। अभी DJI का official इसका आता है ND 8 आ जाता है, उसके बाद ND 16 आता है, उसके बाद ND 64 भी आता है। आई थिंक दे आर ओनली सेंडिंग द ND 16, 64 एंड द 256। यस, अगर आपको 8 चाहिए देन आप अलग से खरीद सकते हो, बट ND 16 इज़ लाइक गुड इनफ। अगर आप बहुत धूप में हो ND 16 कैन डू द जॉब फॉर यू। अगर आप उससे भी ज़्यादा धूप बीच बीच में हो देन ND 64 मेक्स सेंस, नहीं तो और कुछ लेने का जरूरत नहीं। ये DJI का जो ऑफिशियल वाला ND किट है उसको लेके भी यू कैन जस्ट गो एंड गेट स्टार्टेड। सेकेंड पॉइंट, फ्लाई स्लो एंड फ्लाई लो। बहुत सारे ड्रोन पायलट्स को ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करते हैं, ड्रोन जैसे ही टेक ऑफ करते हैं सीधा क्या करते हैं पूरा ऊपर लेके चले जाते हैं। बस अगर आप बहुत ऊपर ले जाते हो आपको जो लैंडस्केप रहेगा, आप जैसे ही आगे जाओगे या पीछे जाओगे आपको लैंडस्केप हिलेगा ही नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कुछ एक मोशन हो रहा है फुटेज में। सो व्हाट बेसिकली यू नीड टू डू इज यू नीड टू फ्लाई क्लोज। जितना आप क्लोज रहोगे तो लैंडस्केप में आप जैसे ही आगे जाओगे या पीछे जाओगे साइड जाओगे तो पूरा लैंडस्केप मूव करेगा, तो आपको ठीक मतलब एग्जैक्टली जैसे आपको फुटेज चाहिए वैसे मिलेगा। अगर आप बहुत दूर में हो तो आपको लैंडस्केप पूरा स्टैग्नेंट ही दिखेगा, यू वोंट बी एबल टू गिव दैट फील, मतलब वो सिनेमेटिक वाला फील नहीं आएगा कि हिल रहा है या फिर मूव कर रहा है कुछ भी हो रहा है। तो बहुत दूर नहीं रहने का, थोड़ा पास रहने का, जितना क्लोज हो पाए जितना आपका कॉन्फिडेंस है उतना लो में जाओ एंड स्लो जाओ। अगर आप बहुत स्पीड में जाते हो वो फटाफट जाने लगेगा, स्लो जाने का है बस, स्लो जाओ। फ्लाई स्लो एंड फ्लाई लो, जितना नीचे जाओगे एंड स्लो जाओगे पूरा वो जो सिनेमैटिक वाला फील आएगा। मे बी ये वाला एग्जांपल जो मैंने ये वीडियो में डाला है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लाई लो एंड फ्लाई स्लो का मतलब क्या है। एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस बेस्ट इज टू डू ए रिवीलिंग शॉट। अगर आप स्लो जा रहे हो या नीचे जा रहे हो तो पहले गिम्बल को नीचे रखने का, ऐसे गिम्बल नीचे रहेगा, उसके धीरे 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 रिवील करो कि ऐसे जा रहे एंड ऐसे रिवील करो, सो लोगों को एक मतलब हाँ कि हाँ ये जगह को हम लोग जा रहे थे ये जगह हमें दिख रहा है। तो फ्लाई लो फ्लाई स्लो एंड रिवील करो, पूरे एरिया को रिवील करो, डायरेक्टली लैंडस्केप को रिवील मत कर दो, गिम्बल को नीचे से ऐसे ऊपर करके रिवील करो, देन यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर शॉट। देन उसके बाद आता है यूज़ द AE लॉग। ये वाला फीचर बहुत सारे ड्रोन पायलट्स को मालूम ही नहीं रहता है। ड्रोन में एक मस्त फीचर है दैट इज़ AE लॉग, उसका मतलब है ऑटो एक्सपोजर लॉग। अगर इसे आप यूज़ नहीं करते हो प्रॉब्लम ये होगा कि पकड़ लो आप बहुत धूप वाले एरिया में ड्रोन को उड़ा रहे हो, वो क्या होगा कि जैसे ही ऐसे स्टार्ट होगा वो आपको ऑटोमेटिक अगर रखे हुए वो एक लाइट में रहेगा, वो जैसे ही आप और थोड़ा ऊपर जाएगा लाइट थोड़ा ऊपर में चेंज हो गया वो ऑटोमेटिकली उसका शटर ऐसे को चेंज करेगा, जैसे और
थोड़ा आगे जाएगा, शटर ऐसे हो चेंज, तो आपको वो जो छोटा स्क्रीन में, इतना छोटा स्क्रीन हो या फिर आप मोबाइल में पकड़ लो, तो आपको वो जो फ्लिकरिंग वाला चीज़ दिखेगा नहीं, लाइट चेंज हो रहा है आपको दिखेगा, बट जैसे आप एडिट करने बैठोगे आपको ठीक मालूम पड़ जाएगा, अरे अरे ये तो डार्क से लाइट हो गया, ये तो लाइट से डार्क हो गया, तो बस वो लाइट फ्लिकर करता रहेगा। तो अगर आप ऑटो एक्सपोज को लॉक कर देते हो, वो क्या होगा, जैसे ही आप मतलब परफेक्ट वाला कंडीशन में पहुँचे, पकड़ लो आप पहुँच गए 30 meters ऊपर पहुँच गए, एंड आपको मालूम है कि अगर आप जितना भी ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, आपको फुटेज जहाँ पर चाहिए अगर वहाँ पर उतना ही एक्सपोजर रहने वाला है, आप क्या करोगे वहाँ पे मेंटेन करके वहाँ पे ऑटो एक्सपोजर लॉक को बस ऑन कर दोगे। वंस द ए लॉक इज डन, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, उसके बाद फ्लिकर नहीं होने वाला है एटलीस्ट लाइट। अगर आप उसको ऑन नहीं करते हो, बस आप जैसे ही हाइट चेंज हो रहा है या फिर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लाइट बस फ्लिकर करते रहेगा एंड इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान योर शॉट्स। ये भी बहुत बड़ा गलती जो कि ड्रोन पायलट्स करते हैं, वो कभी भी अपना शॉट को प्लान नहीं करते, पहले ड्रोन को ऊपर छोड़ देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मेरे को क्या लेने का। देखो ड्रोन्स आर बेसिकली वेरी सुपर हाई एंड डिवाइसेज विच हैज़ टू फाइट द विंड एंड एयर एंड हैज़ टू स्टे इन द एयर, सो ऑफकोर्स इट्स नॉट गोइंग टू स्टे इन द एयर फॉर 1 hour, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट है, पकड़ लो ये ओनली ऊपर में रहता है क्लोज टू लाइक 30 to 35 minutes, तो उतना टाइम के अंदर आपको अपना सारा शॉट्स लेना है। सो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मेरा पूरा प्लान होके रहता है वर्क फ्लो, कि जैसे ही ड्रोन ऊपर जाएगा मेरे को हॉराइजेंटल शॉट्स पकड़ लो 16:9 में, मेरे को आगे पीछे साइड हो गया, उसके बाद गिम्बल रिवील अप टू डाउन, डाउन टू अप, उसके बाद जाके एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, और साइड लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट से लेफ्ट, इतना मेरे को हॉराइजेंटल ले लेने का। उसके बाद वर्टिकल में एग्जैक्टली द सेम, ऊपर से नीचे गिम्बल लेफ्ट राइट, उसके बाद जाके एक POI शॉट, इतना लेने के बाद लास्ट में ये टेक द मास्टर शॉट्स का एक ले लेता हूँ, उसके बाद क्विक शॉट्स एक ले लेता हूँ मैनुअल करके। तो इतना मेरा प्लान होकर रहता है कि मेरे को जैसे ही ड्रोन टेक ऑफ होगा आई हैव टू मेक श्योर कि आई हैव द प्लान्स रेडी। ऐसा नहीं कि ड्रोन उड़ने के बाद सोचेंगे कि चलो ये वाला मूव ले लेते हैं, ये नहीं ये अच्छा लगेगा, नहीं वैसा नहीं है। आप उड़ाने से पहले आपको प्लान करना है कि मेरे को एग्जैक्टली क्या शॉट्स लेना है। अगर वैसा प्लान होकर रहेगा, एवरी टाइम यू फ्लाई योर ड्रोन यू आर गोइंग टू मतलब आप सेफली बैटरी को यूज़ करके इनफ फुटेजेस ले सकते हो। अगर आप प्लान नहीं करते, आप ऊपर जाने का सोचोगे तो थोड़ा टाइम भी चलेगा, उसके बाद बैटरी भी खत्म होगा एंड उतना ज़्यादा बैटरी खरीद खर्च करके रोड पे आ जाओगे। सो बेसिकली डोंट डू दैट मिस्टेक, ऑलवेज मेक श्योर टू प्लान योर शॉट्स बिफोर यू इवन टेक ऑफ योर ड्रोन। उसके बाद आता है यूज़ द DJI का क्विक शॉट्स एंड मास्टर शॉट्स। ये एक जबरदस्त वाला फीचर मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि मतलब हर किसी को भी ड्रोन पायलट बना सकता है। सो यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपीरियंस पायलट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो कुछ भी नहीं करना, आपको ओनली ड्रोन को ऊपर भेजना है, क्विक शॉट्स ले लो, क्विक शॉट्स में 4-5 मोड आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, सबको एक एक करके ले लो, उसके बाद मास्टर शॉट्स एक ले लो। मास्टर शॉट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जितना भी क्विक शॉट्स है उसको वो एक एक करके ड्रोन ही लेगा, उसके बाद जाके सर्कल लेगा, रॉकेट लेगा, उसके बाद जाके हेलिक्स करके लेगा, वो सारे लेके वो क्या करेगा, टोटल उसको जॉइंट करके एक वीडियो फाइल बना के आपको दे देगा। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको मास्टर शॉट्स वाज द बेस्ट पार्ट, मास्टर शॉट्स मैंने देखा, इसमें मास्टर शॉट्स है एंड मास्टर इतना जबरदस्त काम करता है। क्विक शॉट्स में क्या होता है कि आपको हर मूव को आपको मैनुअल एक बार करना पड़ता है, मास्टर शॉट्स में आपको कुछ भी नहीं करना, एक बार शुरू करो वो ऑटोमेटिकली सारे क्विक शॉट्स को ले लेगा, कंपाइल करके एक MP4 फाइल के निकाल के दे देगा एंड यू वुड बी एबल टू यूज दैट फाइल डायरेक्टली। सो make use of that feature, master shots and quick shots is a must have feature। और उसके बाद और एक भी important वाला चीज़ है जो कि लोग भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत स्लो मोशन यूज़ करते हैं, जा रहा है आ रहा है साइड हो रहा है, भाई इतना स्लो मोशन यूज़ नहीं करने का। ड्रोन्स में क्या होता है मैं बताता हूँ, एरियल फुटेजेस में आपका जो डिस्टेंस रहता है लैंडस्केप से हो गया सब्जेक्ट से, आपका ड्रोन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आप स्लो मोशन कर दोगे वो वैसे भी हिलता नहीं होगा और सब्जेक्ट पूरा जैसे लगे है लटक गया है, मतलब वो आपको के फोटो की तरह दिखेगा। यू नीड टू मेक श्योर इट हैज़ टू लुक लाइक ए वीडियो, लाइक ए मूविंग फ्रेम। सो ऊपर में जाके स्लो मोशन नहीं करेंगे, हाँ स्लो मोशन आपको ओनली तभी यूज़ करना है, पकड़ लो कि बहुत आप क्लोज हो, अगर ये सब्जेक्ट से ड्रोन पास में तो आप स्लो मोशन मतलब ड्रोन को पूरा स्लो मोशन में शूट करो, उसके बाद फाइल को जब एडिट करो स्लो मोशन करो, तो फिर क्या होगा सब्जेक्ट दिखेगा कि जा रहा है। अगर आप बहुत ऊपर में डिस्टेंस में हो अगर स्लो मोशन कर रहे हो आपको वही स्टैग्नेंट ही दिखेगा। सो स्लो मोशन तभी ओनली करना है ओनली व्हेन योर सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द ड्रोन, अगर बहुत ऊपर में है नो नीड टू मेक यूज़ ऑफ द स्लो मोशन, आप आराम से नॉर्मल रेगुलर मोशन में यूज़ करते लाइक 24 FPS 30 FPS। आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन शूट इट एट 4K 60 FPS लाइक आई डू एंड मैं सीधा जाके उसे 24 FPS वाला टाइमलाइन में डाल देता हूँ। ओनली वेन माई सब्जेक्ट इज रियली क्लोज टू द ड्रोन दैट इज ओनली वेन आई स्लो डाउन बाई 50% और एल्स आई नेवर यूज स्लो मोशन ऑन माई ड्रोन फ्लाइट्स।
उसके बाद आता है यूज़ द करेक्ट सेटिंग्स। एक ड्रोन को उड़ाने से खाली हो नहीं जाता, ड्रोन के अंदर जो सेटिंग्स रहता है उसको भी आपको सही तरह से सेट करना है। सो अगर आपको DJI Mini 3 Pro का मैं एग्जांपल दे दूंगा, व्हाट आई नॉर्मली डू इज़ आई ऑलवेज शूट इट एज 4K 60 FPS एंड कलर प्रोफाइल में रखता हूँ। DJI Cinelec आई DJI रेगुलर जो नेचुरल वाला है उसको भी यूज़ करता, तो अगर उसको आप यूज़ करते आपको कलर ग्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पूरा ग्रेडेड होकर ही फाइल निकलता है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रेड योर फुटेजेस देन DJI का जो Cinelec उसको आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज वॉट आई पर्सनली यूज। सो मेरा जो सेटिंग्स रहता है वो रहता है 4K 60 FPS, ISO 100 एंड अपना शटर स्पीड को मैं रखता हूँ, सिंस आई एम शूटिंग एट 4K 60 FPS मैं शटर स्पीड को रखता हूँ 1/120 रखता हूँ, एंड उसके बाद जाके ND लगान से लाइट के हिसाब से वो काटा जाता है। अगर ND नहीं होता देन मे बी आई ट्राई टू शूट इट एट ऑटो, बट कभी कभी मैं उसको खाली शटर स्पीड को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो वही आप कर सकते हो। बट द बेस्ट थिंग इज आपको राइट वाला ND फिल्टर यूज़ करना है एंड जस्ट ट्राई टू स्टे एट 4K 60 FPS एंड 1/120 शटर स्पीड। अगर आप 4K 24 FPS में हो देन योर शटर स्पीड needs to be at 1/150, अगर आप 4K 60 FPS में हो it has to stay at 1/120। यही रहता है सिंपल सेटिंग। एंड कलर में DJI नेचुरल वाला ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रेड योर फुटेजेस देन Cinelec इज द बेस्ट। एंड उसके बाद आता है यूज़ वेरियस पर्स्पेक्टिव्स। अभी लोग क्या करते हैं, ड्रोन को छोड़ते हैं ऊपर, वही सेम फुटेज लेते हैं आगे पीछे साइड साइड, वैसे नहीं होता है। आपको थोड़ा मतलब दिमाग को प्रेशर भी डालना है, कंपोजिशन जो बोलते हैं ना, कंपोजिशन आपको जानना है। अगर आपका लैंडस्केप एक बहुत बड़ा है एंड आप ड्रोन आप मतलब पास वाले स्पीड में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऊपर से नीचे ट्राई कर सकते हो, या फिर एक नीचे से जाके ऐसे करके पीछे भी जा सकते हो, या फिर नीचे से ऊपर से जा सकते हो। सो बेसिकली जस्ट ट्राई टू प्ले विथ द डिस्टेंस, हाइट एंड ये जो अपना POI वाला लेंथ, उससे के साथ आपको प्ले करना है। कंपोजिशन वाला चीज़ है सिंपल। अगर आपको कंपोजिशन सही से आता है देन इट्स वेरी इजी टू गेट द राइट शॉट्स। आपको सिंपल आप यू नीड जस्ट नीड टू प्ले विद द हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपको सिंपल आप सोचोगे कि मेरे को ओनली ऊपर लेने का है, साइड साइड करना है, ऊपर नीचे करना है, वैसे नहीं होता है। आपको सब्जेक्ट को देख, अगर आपका सब्जेक्ट अगर छोटा है देन मे बी यू कैन जस्ट ट्राई टू स्टे क्लोज स्टे क्लोज स्टे क्लोज एंड जस्ट डू ए अप एंड डाउन शॉट, या फिर रिवॉल्व हो गया, POI हो गया, या फिर लेफ्ट टू राइट, या फिर राइट टू लेफ्ट। अगर बहुत बड़ा है देन आपको डिस्टेंस के साथ ही प्ले करना पड़ेगा एंड हाइट के साथ प्ले करना पड़ेगा। सो जस्ट ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव एंड कंपोजिशन जैसे ही आपका सही होता जाएगा यू वुड बी एबल टू गेट द राइट फुटेजेस ऑल द टाइम। नेक्स्ट, ऑलवेज शूट एट द हाइएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। ये मैंने एक देखा है, लोग क्या करते हैं ड्रोन खरीदते हैं उसके बाद कार्ड लगाते हैं नॉर्मल स्पीड वाला जो कि 4K शूट नहीं कर पाता। वो कहते हैं कि हमें तो 4K ज़रूरत नहीं है, हम तो 4K यूज़ नहीं करते, हम क्यों 4K में शूट करें, हम 1080p में ही शूट करेंगे। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। व्हाट यू कैन डू इज़ ऑलवेज शूट एट द हाइएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। 4K 60 FPS में शूट करो या 4K 30 FPS में शूट करो, हाँ अगर आपको 1080p में ही क्लाइंट को डिलीवर करना है या फिर यूज़ करना है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट प्लेस द 4K का जो फुटेज, आप डायरेक्टली उसको अपना 1080p टाइमलाइन में यूज़ भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो मतलब आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, जूम इन भी कर सकते हो। बट इफ यू आर ऑलरेडी शूटिंग है 1080p में अगर आप शूट करो उसको लेकर 1080p टाइमलाइन में डाल रहे हो, यू कैन नॉट इवन जूम इन जूम आउट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप उसको क्रॉप भी नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही आप करोगे उसका रिजोल्यूशन लॉस हो जाएगा, वो पूरे इमेज पर फटा हुआ दिखेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू शूट एट द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, 4K 60 FPS में शूट करो। इवन इफ यू आर यूजिंग 1080p टाइमलाइन सीधा लेके डाल सकते हो, उसको जूम इन भी कर सकते हो। अगर आपको जूम इन नहीं करना सिंपल उसको डायरेक्टली वैसे भी यूज़ करते हैं। एंड डोंट ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विद द कार्ड, द SD कार्ड हैज़ टू बी द बेस्ट। आई नॉर्मली यूज़ द सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो का 128 GB, भाई वो वेस्ट है। उसमें 4K 60 FPS हो, 30 FPS हो, 48 FPS हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, इट कैन टेक एनी काइंड ऑफ स्पीड्स। बस डोंट शूट एट 1080p, ट्राई टू शूट एट द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एट 4K 60 FPS ऑल द टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब भी आप ड्रोन खरीदते हो या फिर ड्रोन यूज़ करते हो, बहुत बार ऐसे हो कि आपने चलो सोम भाई ने कह दिया हम ये चीज़ सब दिमाग में रखें, बट जैसे ड्रोन ऊपर जाता है आप सब कुछ भूल जाते हो। कुछ लोग भूल जाएंगे एंड्री फिल्टर लगाना, कुछ लोग भूल जाएंगे सेटिंग्स को ठीक करना, कुछ लोग भूल जाएंगे अपना शॉट्स को प्लान करना, ऐसे बहुत बार होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। मैं भी वैसे भूल जाता था 5-6 साल पहले। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप भूल जाते हो, प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। बेसिकली यू नीड टू डू ए लॉट ऑफ फ्लाइट्स। आप जितना ज़्यादा फ्लाइट्स लोगे, जितना ज़्यादा फ्लाइट्स करोगे, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड वो एक्सपीरियंस के साथ आपका वो जो प्रोसेस जो है एक वर्कफ्लो डल जाएगा कि हाँ मेरे को उड़ने से पहले मेरे को अपना शॉट्स को प्लान करना है, उससे पहले मेरा सेटिंग्स रेडी रहना चाहिए, मेरा SD कार्ड प्रॉपर वाला रहना चाहिए, SD कार्ड फॉर्मेट होकर रहना चाहिए, सारा सेटिंग्स सही रहना चाहिए, ND फिल्टर सही रहना चाहिए, अपना वेदर को देख के या फिर टेम्परेचर देख के या फिर मतलब सब कुछ देख के मेरा ND फिल्टर करेक्ट वाला लगना चाहिए। ये जो ड्रिल है, एक बार ये सब सेट हो गया तो देन नो वन कैन एक्चुअली स्टॉप यू टू गेट द सिनेमेटिक फुटेज। तो आपको ओनली यही चीज़ ही बचा सकता है,
प्रैक्टिस जितना ज़्यादा, अगर आपने ड्रोन खरीदा है बॉस उसको उड़ाओ 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 उड़ाओ, जितना उड़ाओगे आप उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतना ज़्यादा आपको जो वर्क फ्लो बैठ जाएगा, एंड वंस द वर्क फ्लो इज सेट देन इट्स वेरी इजी टू गेट द फुटेजेस। मैं नॉर्मली वही करता हूँ, मेरा सब कुछ प्लान रहता है, मैं जैसे ही उड़ाता हूँ मेरे को मालूम रहता है मेरे को क्या क्या फुटेजेस लेना, एग्जैक्टली मेरे को एंड रिजल्ट क्या चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम रील चाहिए, फिर यूट्यूब में डालना है, फिर क्या करना है, स्लो करना है, फास्ट करना है, कुछ भी करना है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान। ओनली मैं सीधा उड़ाता हूँ, फुटेजेस लेता हूँ, आई गेट डाउन, फिनिश, कॉपी द फाइल्स। सो वेरी ईजी, आपको ओनली प्रैक्टिस ही बचा सकते, उसके साथ कुछ भी और कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। सो होपफुली दिस वीडियो हैज हेल्प यू टू गेट सम मतलब नाइस नॉलेज अबाउट हाउ टू गेट द सिनेमेटिक ड्रोन फुटेज, क्योंकि यही सेम वाला क्वेश्चन बहुत बार मेरे को इंस्टाग्राम में आता था, सुन भाई हम तो बहुत सारे लोगों का ड्रोन फुटेज देखते हैं बट आपका थोड़ा अलग दिख रहा है, ऐसे कैसे? सो इट्स नॉट लाइक कि कुछ मैजिक हो रहा है, इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग इज प्लान एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन विद द राइट सेटिंग्स, सब कुछ प्रॉपरली होके होता है, एंड ये बहुत साल लगा है करने के लिए। लाइक आई हैव बीन फ्लाइंग ड्रोन सिंस लाइक 2016 या 17, अभी ऑलरेडी हो चुका है बहुत सालों से, सो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो आपको उतना ही करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड जो जो पॉइंट्स मैंने कहा उसको ओनली दिमाग में रखना है। वंस यू डू दिस you are going to get the best footage as possible. So let me know if you've got any questions, and I love this DJI Mini 3 Pro, in case if anyone is looking to buy, link mein niche dal deta hu, unse jaake directly order bhi kar sakte ho, and make sure to like this video as well, and question hai to niche mein puch lena, and I will see you guys in the new vlog.